खबर नर्मदापुरम से है। नर्मदापुरम प्रशासन को नहीं है परवाह, स्व सहायता समूह की महिलाएं बैठी हैं धरने पर। प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ एवं मध्यान्ह भोजन साझा चूल्हा संघ की महिला कार्यकर्ताओं ने शासन द्वारा चलाई जा रही मध्यान्ह भोजन में हो रही भारी अनियमितताएं और समूह की महिलाओं को मानदेय राशि बहुत कम मिलने के विरोध में स्व सहायता समूह एवं साझा चूल्हा संघ की कार्यकर्ताओं ने नर्मदापुरम पीपल चौक पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया, जो 21 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। वही बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली, जहां जनप्रतिनिधियों की कथनी और करनी में फर्क दिखा। मंच पर खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के जनप्रतिनिधि मात्र की बात करते हैं, वहीं इन महिलाओं की खबर लेने कोई अधिकारी ना जन प्रतिनिधि पीपल चौक पहुंचे और तो और पुलिस विभाग ने इनकी हिफाजत के लिए कोई महिला पुलिसकर्मी तक तैनात नहीं किया। एक तरफ मंत्रियों की आवभगत के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र लग जाता है, लेकिन जिन नागरिकों ने उन्हें चुना है उनकी कोई हैसियत नजर नहीं आती। महिलाओं द्वारा गुरुवार को ज्ञापन सौंपा, जो तहसीलदार शैलेंद्र बटोनिया के द्वारा लिया गया, उसके बाद धरना समाप्त किया गया। जी बताएं। रसोईया हैं सर, 2000 में कुछ नहीं होता। हम खाना बनाते, उसमें बर्तन भी धोते हैं, गेहूँ भी बीनते हैं, कचरा भी बहुत निकलता गेहूँ में, और खाना भी खिलाना, बच्चों को मांजना धोना, बर्तन भी धोते हैं उसी में। कहाँ से आई हैं आप? माला खेड़ी उचंगाबाद। नर्मदापुरम से ही हैं? हाँ जी। अच्छा, और किस तरीके की मांगे हैं? बस हमको राशि बढ़ाना है सर, हम 6000 राशि है हमारी। हाँ बताएं सर। हम स्व सहायता समूह से सारी महिलाएं एकत्रित हुए हैं। हमारी मांगे ये है कि हमको MDA में बहुत परेशानी होती है, समय पर हमको खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है। तीन तीन चार चार माह निकल जाता है सर, अभी भी फरवरी का माह निकला जा रहा है पूरा, अभी दिसंबर का कोटा हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में मिला नहीं, और राशि भी बहुत कम समय पर देते हैं वो लोग, और मानदेय भी हमारा रसोईया बहनों को 2000 रुपये मिलता है मिनिमम, कम से कम हमको 6000 तो महीने का पड़ना चाहिए ना। आप कहाँ से आई? सर मैं तवा नगर से आई, रानीपुर तवा नगर। आप लगभग कितना कितना क्षेत्र में इस तरीके की परेशानी है आपके? सर हमारे ट्राइबल क्षेत्र में पूरे में परेशानियाँ, ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है सर। जी बताएं मैम कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये क्यों है और इसका क्या मकसद है? धरना प्रदर्शन प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन है, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, ये आप भी दी धरना है, क्योंकि वो महिलाएं बहुत परेशान हैं, वो अपना पोषण आहार कैसे चला रही हैं ये वो महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं। इसमें प्रशासन की तरफ से बहुत देरी होती है उनका वेतन देने के लिए, ना समय पर खाद्यान्न मिलता है, ना समय पर उनका मानदेय की राशि आती है, और जो रसोईया बहनें हैं उनको 2000 रुपये मानदेय मिलता है, वो हम चाहते हैं कि 2000 से वो 6000 हो जाए, और जो आंगनवाड़ी में जो समूह काम कर रहे हैं उनको निशुल्क राशन दिया जाए, और उनकी रसोईया बहनों को भी कम से कम 2000 रुपये मानदेय दिया जाए। अभी आपके किसी के समक्ष आपने ये अपनी मांगों को प्रस्तुत किया है क्या? नहीं, हमने अभी सिर्फ मीडिया के सामने हमारी मांगों को रखा हुआ है, प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया है। हम लगातार 24 घंटे से हम यहाँ धरना दे रहे हैं। कब से धरना है आपका? ये कल सुबह 11 बजे से, ये हमारा 23 तारीख तक का धरना रहेगा, 21 से 23 तक का है। आप लोग ये यहाँ पर निरंतर आप रहेंगे, मतलब कि दिन और रात दोनों? हम दिन और रात का धरना है हमारा, हम निरंतर रह रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें देखने नहीं आया है, पुलिस विभाग की तरफ से भी कोई हमें देखने नहीं आया है। हम यहाँ महिलाएं बैठे हुए हैं धरने पे हमारी मांगों को लेकर। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? ये होशंगाबाद जिले, नर्मदापुरम जिले के पूरे 7 ब्लॉकों से महिलाएं आई हुई हैं। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।